अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ये ड्रेसिना मार्जिनेटा के बारे में बताऊंगी कि ये कितना खूबसूरत प्लांट है और ये बहुत इजी टू ग्रो है। और इसकी जो ग्रोथ होती है ना, थोड़ी स्लो होती है, तो इसके डिफरेंट कलर होते हैं। असल में तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये ड्रेसिना की एक यानी वैरायटी है, ड्रेसिना मार्जिनेटा। मार्जिनेटा जो है ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। और ये मार्जिनेटा जो है, ड्रेसिना मार्जिनेटा जो है, उसके डिफरेंट कलर होते हैं। देखें, अब आपको मैं आपको बताऊं, देखें ये कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है, ये ड्रेसिना मार्जिनेटा है। और ये देखें, ये थोड़ा डिफरेंट कलर है इससे। इसकी आप लीव्स देख रहे हैं, कैसी लीव्स है इसकी, आप एजेस जो है इसकी तकरीबन रेडिश है और सेंटर से ग्रीन है, ये है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये ज़रा सी चौड़ी है इसकी लीव्स जो है, देखें पॉइंटेड होती हैं आगे से, आप देख रहे हैं आगे से ये पॉइंटेड है। और ये लंबी लंबी इसकी लीव्स होती हैं। अच्छा, इसके मुकाबले ये ज़रा सी चौड़ी है और इसके मुकाबले ये बारीक सी हैं, ये आप देख रहे हैं ग्रीन है और इसमें ये लाइनिंग्स पड़ी हुई हैं वाइट सी, या हल्की ग्रीन कह लें। ये कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं। तो ये है मार्जिनेटा ही, लेकिन इसके कलर डिफरेंट है। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ड्रेसिना मार्जिनेटा के डिफरेंट कलर होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत महसूस होता है। अब ये देखें, ये अलग कलर है इसका। और ये इसका कलर कैसा है, इसमें रेड ज़्यादा है, इसकी इसकी जो एजेस है ना वो रेड हैं और सेंटर से ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन है। ये देखिए इसके, इसका एक ये कलर है और एक और भी इसका कलर है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये भी इसका कलर है, ये भी ड्रेसिना मार्जिनेटा है। तो ये मार्जिनेटा की, ड्रेसिना मार्जिनेटा की डिफरेंट के डिफरेंट कलर है। और ये बहुत अच्छा देखने में प्लांट लगता है, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। और इसको अच्छा, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ ना, तो ये तो वैसे धूप का ही प्लांट है, धूप में रख सकते हैं इसे, लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो ना, तो थोड़ा इसे मतलब शेडेड एरिया में रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शेडेड एरिया में क्यों रखते हैं, ताकि इसकी जो लीव्स का कलर है ना वो फेड ना हो और ये सूखे नहीं। तो इसकी लोकेशन के बारे में ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि इसको थोड़ा कम धूप में रखना चाहिए, ताकि इसकी कलर जो है ना वो ब्राइट रहे। कलर उसी वक्त ब्राइट रहेंगे जब इसको धूप जो है वो कम मिले, बहुत ज़्यादा यानी ब्राइट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। देखिए इसका खूबसूरत कलर जो है ना, इसी की वजह से पौधा भी प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखें। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है ड्रेसिना मार्जिनेटा। और इसको, ये तो लोकेशन की बात हो गई, अब मैं वाटरिंग की बात करूँ। इसकी वाटरिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, वाटरिंग जो है उसको एक लिमिट में रहते हुए करनी है इसकी वाटरिंग। और हम उस वक्त इसकी वाटरिंग हमें करनी चाहिए जब इसका, इसकी पॉट की सॉइल जो है ना, ये देखिए पॉट की ये जो सॉइल है, ये जब हमें ड्राई नज़र आए ना, थोड़ी हल्की सी ड्राई हो ये, तो फिर हमें इसको पानी देना चाहिए, ताकि ये, अगर क्या होगा कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे ना, तो क्या होगा कि इसकी, इसमें ना रूट रॉट हो जाएगा। रूट रॉट का मतलब ये हो गया कि इसमें ना पानी की ज़्यादती की वजह से जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो ज़ाहिर है रूट रॉट हो जाता है। तो ये इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ये पानी जो है ओवर वाटरिंग को पसंद नहीं करता। तो ये तो हो गई वाटरिंग के बाद। सॉइल की अगर मैं बात करूँ ना, इस ये हर किस्म की सॉइल में ग्रो करता है, हर किस्म की सॉइल में। बस सॉइल जो है ना पोरस होनी चाहिए, बहुत चिकनी मिट्टी या ऐसी सॉइल नहीं लेनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, ताकि ये जो है ना इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से डेवलप होती रहें। और वो रूट्स जो हैं मतलब आसानी से ग्रो करती रहें। तो इसकी सॉइल हमेशा पोरस होनी चाहिए। जो भी हम आम सॉइल लेते हैं ना,
गार्डन सॉइल है या, तो उसमें हम क्या, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ना सैंड मिला लेना चाहिए ताकि सॉइल जो है ना उसकी पोरस हो जाए। पोरस करने के लिए सॉइल को हम उसमें थोड़ी सी कंपोज पत्तों की खाद यानी डाल सकते हैं और उसमें थोड़ी सी सैंड मिला सकते हैं, तो उससे जो सॉइल है ना, कोकोपीट भी डाल सकते हैं, उससे भी पोरस हो जाती है और पानी को भी होल्ड करके रखती है, तो उसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती देने की, तो ये वैसे ही कम पानी पसंद करता है पौधा। तो ये इसके, ये अपने कलर की वजह से, मार्जिनाटा जो है ये अपने कलर की वजह से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो ये मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं, इसको कटिंग के ज़रिए हम लगा सकते हैं और कटिंग कैसी हमें लेनी चाहिए। अच्छा एक बात और है, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और अच्छा इसकी ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत स्लो होती है, तो इसकी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता ये पौधा, स्लो बढ़ता है, तो हमें इस बात की नहीं फिक्र करनी चाहिए कि ये पौधा जो है ख़राब हो रहा है तो इसलिए नहीं बढ़ रहा या ये कोई प्रॉब्लम है इस पौधे को, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको ना तो बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और ये ना ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इतना अच्छा ये प्लांट है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस इसकी ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को। तो अब मैं एक इसकी ब्रांच लेके ना, अच्छा हम ब्रांच लेके जो लगाएंगे ना उसमें रूट हार्मोन्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, रूट हार्मोन्स भी की भी ज़रूरत नहीं होती, बग़ैर रूट हार्मोन्स के भी ये अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो ये ऐसा प्लांट है, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना पौधे, आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो ये जो है अब मैं इसकी कटिंग लगा के आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग जो है वो कैसे लगानी है। मैं एक पॉट मैंने तैयार कर रखा है, देखिए ये मेरे पास एक पॉट है, ये एक पॉट रखा हुआ है मेरे पास। अब मैं कोई भी एक ब्रांच लेके यहाँ से तोड़ के लगा लूँगी और वो इसको रूट हार्मोन भी नहीं लगाना है, इसमें कोई ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीक़े से इसकी एक ब्रांच लेके, और मैं अब ये मैं इसमें से एक ब्रांच ले लेती हूँ, ये जो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है कलर इसका, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी की एक ब्रांच लेके लगा लूँ, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे पौधा। तो एक ब्रांच मैं लेती हूँ और रूट हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉट मैंने तैयार कर रखा है, इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद है और बालू मिट्टी और थोड़ी सी सैंड। अब मैं इसको इसमें एक ब्रांच तोड़ के लगा दूँगी। अब ये देखें मेरे पास जो पॉट रखा है ना, इसमें मैं एक होल कर लूँगी, ये देखें ये थोड़ी ज़रा अच्छी ज़्यादा इसकी जो ब्रांच तोड़ूँगी ना मैं उसको अच्छी तरीके से लगा लूँगी। तो अब मैं इसमें से एक ब्रांच तोड़ लूँगी, ये मैंने एक ब्रांच तोड़ ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे की लीव्स जो है वो हटा दूँगी, नीचे की लीव्स हटा के फिर लगा दूँगी मैं इसके, ठीक है। तो मैं लीव्स हटाती हूँ, कितने आप ये प्लांट देखें कितना खूबसूरत लग रहा है प्लांट, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये पौधे जो हैं बहुत ड्रेसिना के पौधे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, है ना। तो मैंने क्या करा है, ये थोड़ी सी नीचे की लीव जो है हटा दी है, ये देखें ये थोड़ी सी मैंने नीचे की लीव्स हटा दी है इसकी, इसमें रूट हार्मोन्स की तो ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही इसमें जो मैंने ये एक पॉट लिया है इसी में मैं इसको लगा दूँगी और इसको फिर सायेदार जगह में रखना है। और ये तकरीबन इसकी रूट्स जो होती है ना, ये इस प्लांट की रूट जो होती है ना तकरीबन एक महीने में ग्रो करती है, रूट्स बन जाती हैं। अब मैं इसको प्रेस कर दूँगी मिट्टी को, इसमें दबा दूँ मिट्टी में इसको दबा दूँगी, और ये देख इतना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसकी वाटरिंग कर दूँगी और इसको सायेदार जगह में रखूँगी, ये देख मैंने इसकी वाटरिंग कर दी है। अब मैं इसको साए में रखूँगी और ये तकरीबन एक महीने के बाद ये इसकी रूट्स बन जाएंगी, तो और इसमें से नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगी। तो ये मैंने आपको बताया ड्रेसिना मार्जिनाटा कैसे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के ज़रिए मैंने बताया आपको कि कटिंग के ज़रिए आप
ग्रो कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है बहुत खूबसूरत, ये मुझे बहुत अच्छा कलर लगा इसलिए मैंने इसी की ब्रांच लगा ली है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो है सारे जो पौधे हैं बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आइंदा फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।